मेरे घरवार दोबारा करें मेरे पिताजी को भड़काने वाले किसने सत्य प्रकाश सनोप जासीराम और बचन सिंह सनोप जासीराम और फूल सिंह सनोप जासीराम और फूल सिंह वो मुलायम सिंह सनोप सत्य प्रकाश इन लोगों ने भड़का भड़का कर शुरू में मैं छोटा था तब तो उन्हें भजा दिया अहमदाबाद और यहाँ और मुझे यहाँ आते तो मेरे मिलने नहीं देते थे बाप बेटे को दोनों नहीं मिलने देते तो हमें दरार पड़ती रही बाबा ख़त्म हुए तो वो कुछ पैसा दे रहे थे इन सत्य प्रकाश ने नहीं लेने दिए ये कह दिया तू मत ले मर जाए मर नहीं जाएगा क्या मामला है अब मामला यह है कि मेरे पिताजी भड़का कर खेत में कुआ दिया बेईमानी कर रहे थे रोड निकालने के लिए मैं बेईमानी नहीं करने दी मैंने कहा सरकारी बंटवारा होगा ये खेत किसका है ये खेत अभी मौजूदगी में हमारे पिताजी नाम में नहीं चढ़ाएगी चढ़ा होगा तो मुझे मालूम नहीं और दूसरी कहानी यह है अभी किसके नाम में खेत है और केशव वकील ने खरीदा है वकीला हाँ और किसने बेचा है और चरण सिंह ने और भड़का नशा तुम्हारे पास कोई इसका लखित में है ना लिखित है मेरा खेत चल रहा है शुरू से अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है फाइनल नहीं हुआ है चलो आपने कहीं शिकायत की है हाँ कैसे दीवानी में चल रहा है क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम राय कुमार है और मुझे निवासी सावरापुरा है सर मेरे पिताजी नाम चरण सिंह है और कराए तो ये हम शिकायत कर देंगे उसके लिए तू रात में ड्यूटी करने जाता जब चाहेंगे तब तो ये करवा सकते हैं हम दबंग हैं जो चाहेंगे वो होगा और ये हम कह रहे हैं वही होगा वो चाहे एक तरफ सब हो जाए तो कर क्या लेगा अधिकारी क्या करेंगे हम कहेंगे वो होगा आज क्या बात हो गई है कहीं जगह कौन की जी हम आई तुम पे पट्टा पट्टा इसका कोई लिखा पड़ी है तुम्हारे पास लिखा पड़ी है इसकी कागज है तो जी कौन डलवा रहा है रोड तो तुमने मना नहीं करी करी तो क्या बोले थे वो तो डर ही कर रहे अच्छा तुम्हारे आदमी कब खत्म हो गए थे खत्म होते लापता है इतने तो छोड़ गए क्या बच्चे है तुम्हारे तो मैंने पाले मायके में रह रहे थे तुमने कोई कार्रवाई करी हम जानते ही नहीं है अब चले रहा हूँ गांव कौन सा तुम आओ सहारापुरा जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद।